डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान की तारीख में मुल्क की जोहिल सलाहियतों की तश्कील में उनके बुनियादी किरदार के लिए एक काबिल एहतराम मुकाम हासिल है। वेलकम टू हिंदी टीवी वीडियोस। 1936 में पैदा होने वाले कदीर खान का सफर मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर के तौर पर शुरू हुआ। उनकी महारत और लगन ने उन्हें पाकिस्तान के जोहिल प्रोग्राम में एक अहम शख्सियत बना दिया। 1970 की दहाई में उन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी तहकीकी इदारे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC में यूरेनियम शोधगी के प्रोग्राम में शमूलियत अख्तियार की। कदीर खान की जहानत और अनथक कोशिशों ने पाकिस्तान के एटमी अजायम को आगे बढ़ाया। यूरेनियम की अफजोदगी के लिए सेंटर फ्यूज टेक्नोलॉजी तैयार करने में उनकी क्यादत ने मुल्क के जोहरी सलाहियतों को नुमायां तौर पर आगे बढ़ाया। उनकी रहनमाई में पाकिस्तान ने 1998 में अपने पहला कामयाब जोहरी तजर्बा किया, जो एक जोहरी ताकत के तौर पर उसकी सरकारी हैसियत को निशानदेह करता है। खान के अहम किरदार ने उन्हें मोहसिन पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का मोहसिन का खिताब दिया गया। तमाम बाद में उनकी करियर में तनाजात पैदा हुए। 2000 की दहाई में अवाइल में खान ने दूसरे ममलक के साथ जोहिल टेक्नोलॉजी का इश्तराक करते हुए गैर मजाज फैलाव की सरगर्मियों में मलूस होने का एतराफ किया। उस एतराफ की वजह से उन्हें उनके सरकारी अहदे से हटा दिया गया और उसके बाद घर में नज़र बंद कर दिया गया। उन तनाजात के बावजूद खान पाकिस्तान की तारीख में एक पेचीदा शख्सियत बने हुए हैं। उन तनाजात के दरमियान भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के अलमदार के तौर पर विरासत बरकरार है। उनके साइंसी खिदमत और क्यादत ने जुनूबी एशिया के जाग्राफियाई सियासी मंजरनामे के नुमायां तौर पर तब्दील कर दिया।